हेलो गाइस, तो कैसे हम सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ एक नया तरीका, जिससे कि आप लोग जो अपना नाम जो है उसको चेक कर पाएंगे वोटर लिस्ट में, ठीक है ना। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो हम बताएंगे कि आप वोटर लिस्ट को किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी 2024 का। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर पुनर्निरीक्षण का टाइम 2024 है, 1/1/2024, लेकिन जो प्रकाशन तिथि यानी जो इस साल का जो ये 22 तारीख को जारी किया गया है, वह मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया था। तो मैंने सोचा कि मेरे बहुत से कमेंट्स भी आए थे कि किस प्रकार से डाउनलोड होंगे, ठीक है ना, और मुझे मैसेज भी आ रखे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया हूँ कि किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप सभी वीडियो में आगे देखिए कि किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, वोटर लिस्ट मेरा डाउनलोड है, तो जिसमें भी आप अपना नाम को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर सिंपल से आपको नाम को जरूर चेक कर लेना है, तो यदि नहीं है तो आप अप्लाई करेंगे, यदि है तो आप चेक कर लेंगे किस प्रकार, यदि आपने अप्लाई किया हुआ था बन गया है तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको सबसे पहले अपने क्रोम में ले चलते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा क्रोम ओपन हो गया था, हमने यहाँ पे वोटर लिस्ट डाउनलोड 2024 सर्च कर लिया। तो जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपल क्या कीजिए, फर्स्ट वाला वेबसाइट है, सिंपल इस पर आपको टैप कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर टैप कर देते हैं तो आपके सामने देखिए क्या आता है। यहाँ पे देखिए, आपको इलेक्टोरल के लिए यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली और सिलेक्ट लैंग्वेज और कैप्चा डालने के लिए आता है। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, देखिए मैं सबसे पहले आपको फिलअप करके दिखाता हूँ आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम बिहार का निकाल लेते हैं, हर जगह का आ गया, वैसे आप चेक कर लीजिएगा। तो हमें आप सिंपल से आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी डाल देंगे, यहाँ असेंबली डाल देंगे, जो भी आपका असेंबली हो, जैसे कि मैं यहाँ बाजपट्टी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज डाल देंगे, तो यहाँ सिंपल से हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी पर डाल देंगे, और सिंपल से यहाँ पर कैप्चा भी टाइप कर देंगे, MEK17F, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, के ठीक है, हो गया। अब सिंपल से क्या करना, देखिए यहाँ पे आपको जितने पार्ट होंगे, जो भी आपका जिस भी बूथ संख्या यहाँ पे दिया रहेगा और पार्ट नंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो बूथ संख्या चाहे पार्ट नंबर दोनों सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर है ये हमारा यहाँ पे 13 होने वाला है, और यहाँ 12, 11 जो भी जिस प्रकार का आपका रहेगा, तो सिंपल से आप उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा, तो मैंने डाउनलोड कर रखा था, बार बार डाउनलोड नहीं करूँगा। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे डाउनलोड हो जाता है, सिंपल से मैं इस पर टैप कर देंगे और सिंपल से ड्राइव PDF में करके ऑन कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया भी है, शुरू में बता देते, जैसे कि आप देखिए, जैसे आप डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपल से आपका डेट यहाँ पर लिख के आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और बताऊँ, जो आप ये डाउनलोड करेंगे तो इसमें दो तरीका, देखिए यहाँ एक ड्राफ्ट रोल दिया गया है, जो इससे पहले जारी हुआ था, ठीक है। ये फाइनल रोल डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। यदि ड्राफ्ट रोल में नहीं है तो फाइनल रोल में आ जाएगा, और ड्राफ्ट रोल में जिसका भी नाम है उसका अगले महीने तक उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी कुछ इस प्रकार से ही डाउनलोड कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मदरसा जितने भी हैं, मदरसा है और भी जितना अलग स्कूलों के हैं नाम है, आप उस तरीके से नाम आपका आता रहता है। आप अपना नज़दीकी जो BLO होगा उससे संपर्क करके आप जान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।